देख पाई और इस 12th के रिजल्ट ने बहुत कुछ बदल दिया मेरे लाइफ में। अगर तूने मेहनत नहीं की होती ना तो मैं नाराज होता, लेकिन तूने मेहनत की ना तो मैं नाराज नहीं है। ठीक है, मेरा टेंशन मत ले। तू मार्क्स कम मार्क्स से तो दुखी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे इससे तू ज़्यादा दुखी है। पप्पा क्या सोचेंगे, पर पप्पा का जाने दे, लोगों का जाने दे। अगर तूने मेहनत नहीं की होती तो मैं दुखी होता, तूने मेहनत की ना तो मैं खुश रहती थी। पापा के चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि वो मेरे रिजल्ट से दुखी है और उनको मेरा कम रिजल्ट आएगा ये पहले से ही पता था, इसीलिए वो मुझे पहले ही सब टॉक्सिसिटी से दूर ले आए। जब भी भगवान का बुलावा आता है तब जाना पड़ता है, और कितने सालों से देखो जाने का था जगन्नाथपुरी। हाँ। इस बार बुलावा आया है जाने। मेरे गेमिंग चैनल पे 1 मिलियन हो गए थे तभी मैंने बोला था मेरे को जगन्नाथपुरी जाना है। पापा खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। रोया मत कर दो, कोई कितना भी कहे बट अब कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। अरे ये तो पढ़ाई का एक एग्जाम था, तेरे को तो मेरे से काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले। मेरे मान से कितने मार्क्स मिले थे 12th में बताओ ना। 40.50% तो मालूम नहीं होगा लेकिन 40% मिले थे। 40% लेने के बाद में मैंने क्या किया तुमको मालूम है? मैंने IT किया, BE सिविल भी किया, इसके साथ में मस्ती में LLB भी कर लिया। वो मार्क्स मुझे रोक पाए क्या? नहीं। और आखिर में आके क्या किया? खुद का बिजनेस ही किया। ये जॉब किया क्या? नहीं किया। देख मैं ना अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलता कि ये 3 डिग्री भी मेरे लिए ना लाइफ में ना कमाई नहीं ला पाई, पैसे नहीं ला पाई। मालूम क्या, मेरा बिजनेस ही मेरे लिए पैसे लेके आया। ठीक है, पढ़ना एक सोसाइटी को दिखाने के लिए रहता, डिग्री नौकरी करने के लिए चाहिए, बिजनेस करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए रहती। और हमको जॉब नहीं करना है। अगर तुम जॉब करने सोचेंगे मैं बोलूँगा उससे अच्छा तुम घर में बैठो, मेरे दोनों बेटों को भी बेटी को भी। अगर तुमको जॉब करना है तो तुम घर में बैठो और आराम से खाओ। बिजनेस करना है तो तुम्हें ना छोटा से छोटा बिजनेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जॉब नहीं करना है, 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये का भी जॉब नहीं करना है, वो मेरे से ले लो। चलो चलो, भगवान बुलाए। Not that typical papa. मैं भी है ना तुम्हारे आज के जनरेशन के साथ में चल सकता, तो तुम है ना टेंशन मत लो, मैं ना हमेशा तेरे साइड रहूँगा। मैं अपने बच्चों के साइड नहीं रहूँगा तो किसके साइड रहूँगा? मुझे है ना कम मार्क्स के लिए ना ताने मिल चुके, सब कुछ छोड़ के चले जाने का मन करता, घर छोड़ने का मन कर देता, सब कुछ छोड़ देने का मन करता। मुझे मालूम है बच्चे क्या सोचते हैं, मुझे मालूम है अगर मैं इनको ताने मारूँ तो क्या सोचेंगे। तो मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं कोई ताने नहीं मारूंगा, समझे? मैं मेरे बच्चों के साइड ही खड़ा हूँगा, चाहे जैसे भी हो, कितने भी मार्क्स आओ, फेल हो जाओ, कुछ कोई भी मार्क्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। था कि तू वहाँ पे घर पे रहे और सब लोग आके तुझे रिजल्ट 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 करे। मुझे पता था कि रिजल्ट आने वाला है 21-22 तारीख को और लोग तुझे परेशान करेंगे, कितने मार्क्स आए क्या है, टॉक्सिसिटी से तू दूर रहे। मुझे पता था तेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, लोग आएंगे ये वो फ़ोन करेंगे, घर पे आएंगे, मिलने आएंगे, सब तुझे पूछेंगे बार 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 बार, और तू जवाब देते देते थक जाएगी और बहुत टॉर्चर हो जाएगी। मुझे पता था कि तुझे तकलीफ होंगी, इसलिए मैंने पहले ये ट्रिप प्लान कर ली थी। अभी तुझे कोई पूछ रहा क्या? कुछ नहीं, तू चल आराम से, सैड मत हो। एक बाप को सब पता रहता, इसलिए ना वो अपने बच्चों को टॉक्सिसिटी से दूर रखता। ठीक है, पापा को पहले ही पता था।
मोटिवेट किया और फिर मुझे समझ आया कि मुझे तो पापा से बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स है। देखो अभी हम लोग है ना महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए और ये है मेन गंगा नदी। ये देखो अब कहाँ रखेंगे सर पे देखेंगे अभी आते टाइम देखेंगे। अभी तुम आराम से चिल करो, बैठो आराम से। इधर पहले सर साइड बैठे थे और अभी पॉट दिख रहा, ये दिख रहा, वो दिख रहा, ये खरीदने का वो खरीदने का चालू हो गए। ज्यादा अंदर मत जाओ जरा। देखो ज्यादा उधर मत जा, बोला एकदम वो असली वाला जंगल है। हाँ, देखो गाइस ये ना असली वाला जंगल है। ये देखो अभी हम इधर अंदर चलते हैं। हाँ, सब हल्का लग रहा है। अब चलो तो गाइस हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी, जो कि यहाँ से है ना 12-13 घंटे का रास्ता है। और मैंने ना अभी न्यूज में सुना कि वहाँ पर है ना साइक्लोन भी आने वाला है। तो जब अभी हम लोग घर से निकल ही गए हैं तो उड़ीसा जाकर ही रहेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, वापस नहीं पलटेंगे चाहे साइक्लोन आए कुछ भी आए। तो उड़ीसा मैं आ रही हूँ। तो गाइस देखो अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए मधुबन ढाबे में। और आज का मौसम देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है। अभी है ना बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम लोग है ना छत्तीसगढ़ में और यहाँ से रायपुर से 60 किलोमीटर है। एक मिनट ये फुल चाय, ये ले पी। कितना बड़ा कप है चाय, ये देखो। देखो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए छत्तीसगढ़ के रायपुर में। लेकिन है ना अभी हम रायपुर में नहीं रुक रहे हैं, जब हम उड़ीसा से रिटर्न आएंगे ना तब हम रायपुर में रुकेंगे। तो कौन था रायपुर से कमेंट में बताओ। पाली ऐसा कुछ भी नाम है, संबलपुर के पहले पड़ता, 100 किलोमीटर पहले पड़ता। ये थोड़ा सा सादा ही होटल है। कोई बात नहीं, सराई पाली से कौन कौन है आप लोग कमेंट्स में बताना। अभी चलते हैं रूम में, फ्रेश होते हैं और खाना खाते हैं। ये देखो गाइस ये रही हमारी रूम। रहा 500 किलोमीटर, आज हम पहुंच जाएंगे पूरी। यस, हम है ना वहां से चिप्स वगैरह कुछ लेकर आते हैं चबर चबर करने के लिए। ये सोया स्टिक्स ले लेते हैं हम। ये खाइए भैया, भैया ये दे दो ना, नहीं तो फूट जाएगा फिर से। दो सोया स्टिक्स ले लेते हैं, दो ये वाला पंजाबी कड़ी का, ये खट्टा मीठा और चॉकलेट भी ले लेते हैं। 50 रुपए हो गए, हमने सारी चीजें ले लिए। ये लो पापा के लिए बहुत काम की चीज।
इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या बोलो, क्या बढ़िया चीज लाई हो, वाह दिल खुश हो गया, पुदीना रख बोले देखे, वाह 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 वाह, जिंदगी में मैंने कभी कभी नहीं खाई थी ये पुदीना रख बोली, आज तूने पुदीना रख के दर्शन करवा दिए, ओहो हो हो हो, दिल खुश हो गया। बद्दो बद्दी हो गया, बद्दो बद्दी, हाय हाय, होय होय। हमको है ना 2 दिन के लिए होटल चाहिए, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, हमें ना वीकेंड
तो एक तो मिल रहा है दो दिन के लिए, तो सी फेसिंग वाले रूम नहीं मिल रही है। देखो मुझे मेरी फैन मिली है यहाँ पे। हेलो हेलो आंटी, हाय, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के मैं सो गई थी। आपकी मम्मी पहले देखी। अच्छा।